टुडेज आवर सिक्स चैप्टर, चैप्टर सिक्स इज ऑलिवर ट्विस्ट। अपना चैप्टर सिक्स कौन सा है? ऑलिवर ट्विस्ट। आवाज आ रही है सबको? देखो, ओलिवर वाज ए पेल एंड थिन चाइल्ड। ओलिवर जो था एक बहुत ही सफेद, गोरा और पतला बच्चा था। ही डिड नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। वह कुछ ज्यादा खाना नहीं खाता था, लाइक द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों की तरह वो कुछ ज्यादा खाना नहीं खाता था। ठीक है, ओलिवर जो था वो बहुत ही गोरा और पतला लड़का था। वह दूसरे बच्चों की तरह ज्यादा फूड नहीं खाता था। ठीक है, कौन नहीं खाता था? ओलिवर। ही ड्रैंक थिन सूप 3 times एंड 1 a day। एक दिन में वह 3 बार सूप पीता था। ऑन संडे, संडे को ही गोट ए स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड। वह संडे को क्या खाता था? एक ब्रेड का छोटा टुकड़ा खाता था। ठीक है, वह एक छोटा लड़का था। 3 दिन में 3 times सूप पीता था और संडे को क्या खाता था? एक ब्रेड का छोटा टुकड़ा खाता था। आगे देखो। ऑल द बॉयज सैट इन ए हॉल एट मील टाइम। भोजन के समय जितने भी लड़के थे वो सब कहाँ बैठे थे? हॉल में बैठे थे। ए लार्ज पॉट वॉज केप्ट इन द वन कॉर्नर ऑफ द रूम। रूम के एक कोने में बड़ा पॉट रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? बड़ा पॉट रखा, गुलदस्ता रखा हुआ था। द मास्टर शोवड वन स्मॉल बाउल एंड सूप टू इस बॉय। जो मास्टर था उसने क्या परोसा? छोटे बाउल, छोटे कटोरे। किसके? सूप के। प्रत्येक बॉय को, प्रत्येक बच्चे को क्या दिया? छोटा बाउल सूप का दिया। वन डे ओलिवर्स फ्रेंड टुक आउट चीट्स टू डिसाइड हु वुड गो टू द मास्टर एंड आस्क आस्क फॉर मोर सूप। एक दिन ओलिवर के फ्रेंड ने, चिट होता है रसीद यानी पर्ची निकालना, ठीक है, एक दिन उन ओलिवर के फ्रेंड ने पर्ची निकाली और डिसाइड किया और निश्चय किया किसका? अपने उनके मास्टर यानी जो मालिक है उसके पास सूप पहुंचने का, कि आपके पास और सूप है क्या? उनके फ्रेंड एक दिन कहाँ गए थे? भोजन पर गए थे। और जो भोजन पे गए थे तब उस टाइम में एक दिन क्या हुआ? ओलिवर के फ्रेंड ने डिसाइड किया कि पर्ची आ, आ, एक पर्ची निकाली उन लोगों ने और ये डिसाइड किया कि जो मालिक है उससे और सूप मांगने कौन जाएगा। द चिट विद ओलिवर्स नेम वॉज पिक्ड। और उन्होंने जो चिट निकाली थी, पर्ची निकाली थी, वो किसके नाम की थी? ओलिवर के नाम की थी। ठीक है, ओलिवर वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेन होता है भयभीत होना, डरना। फ्राइटेन का मतलब क्या होता है? भयभीत होना। ओलिवर जो था वो क्या हो गया? डर गया था। बट द बॉयज टोल्ड हिम दैट ही हैड डू इट। लेकिन लड़कों ने उनको बताया। ओलिवर डर गया था। क्यों डर गया था? क्योंकि जो मास्टर था, मालिक था, वो क्या था? एकदम क्रूर था, निर्दयी था, एकदम खड़ूस था, इसलिए वो डर गया था और सूप मांगने के लिए। लेकिन जो बच्चे हैं उन्होंने उनको क्या कहा कि ओलिवर तुम ये सब कर सकते हो। इट वॉज सुपर टाइम। ये बहुत ही अच्छा टाइम था। द बॉयज वर सिटिंग इन द हॉल। जितने भी सारे बच्चे थे वो कहाँ बैठे थे? हॉल में बैठे हुए थे। ठीक है, द बॉयज वर सिटिंग इन द हॉल। द मास्टर वॉज शर्विंग सूप। और जो मास्टर था वो क्या कर रहा था? सूप परोस रहा था। द बॉय सिग्नल्ड। लड़कों ने इशारा किया। सिग्नल होता है इंडिकेट करना। सिग्नल का वर्ड मीनिंग क्या होता है? इशारा करना। क्या होता है? इशारा करना। बच्चों ने इशारा किया। ओलिवर टू गेट अप। ओलिवर उठो। हिज नेबर नग्ड हिम विद हिज एल्बो। एल्बो होता है कोनी से। उसका एक नेबर है, उसने उसको कोनी से मारा। किसको मारा? ओलिवर को मारा और कहा, ऐसे कोनी से मार के अपन बोलते हैं ना खड़े हो, वैसे ही उसका एक पड़ोसी है, उसने क्या किया? उसको कोनी से मारा और कहा, ओलिवर स्टूड अप, ओलिवर खड़े हो जाओ। ही वेंट टू द मास्टर विद हिज बाउल एंड स्पून। वह कहाँ गया? वह स्पून और बाउल लेके।
चम्मच और कटोरी लेके कहाँ गया? मालिक के पास गया। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा? ऑलिवर ने कहा, प्लीज सर, कृपया श्रीमान, आई वॉन्ट सम मोर, मैं कुछ और चाहता हूँ। वह क्या चाहता था? सूप। वह और सूप पीना चाहता था। द मास्टर वॉज ए फैट एंड क्रूल मैन। जो मास्टर था वो बहुत ही मोटा और निर्दयी आदमी था। जो मालिक था वो क्या था? बहुत ही निर्दयी और मोटा था। He went pale. वह एकदम लाल पीला हो गया। What? क्या? The master screamed. Scream होता है चिल्लाना। क्या होता है? चिल्लाना। जो मालिक है वो चिल्लाया, Please sir. Oh, said Oliver once more. कृपया श्रीमान, एक बार ओलिवर ने दोबारा कहा। May I have some more? क्या मैं थोड़ा सा सूप और ले सकता हूँ? उसका जो मालिक था वो क्या था? एकदम खड़ूस था। तो उसने दोबारा पूछा, किससे पूछा? सर, क्या मैं थोड़ा सूप और ले सकता हूँ? द मास्टर हिट ओलिवर विद हिज लैडले। लैडले होता है चम्मचा, जिसको क्या बोल, जिसके अपन खाना परोसते हैं, चम्मच होता है ना, चम्मच छोटी होती है और जो चमचा होता है ना उसको बोलते हैं, बड़े चम्मच को बोलते हैं, ठीक है। तो जो द मास्टर हिट ओलिवर विद हिज लैडले, और जो बड़ी चम्मच होती है उसने उसको मारा। ही कॉट हिम बाय द कॉलर ऑफ हिज शर्ट एंड हिट हिम। ही कॉट, कॉट होता है पकड़ना, कॉट क्या होता है? पकड़ना। उसने ओलिवर को कॉलर से पकड़ा और बहुत मारा। ओलिवर बिगन टू क्राई, क्राई होता है रोना। ओलिवर है उसने रोना शुरू कर दिया। मिस्टर गॉम्स, द मैनेजर ऑफ द वर्क हाउस रस्ट टू द हॉल। मिस्टर गॉम्स था, वो मैनेजर था वहां का, वर्क हाउस का क्या था? मैनेजर था। वहां से दौड़कर हॉल में आया। रश होता है दौड़कर आना। वहां का मैनेजर दौड़कर हॉल में आया। द मास्टर कंप्लेंट टू मिस्टर गॉम्स। मास्टर ने मिस्टर गॉम्स से क्या की? शिकायत की। कंप्लेन होता है शिकायत करना, ठीक है। ओलिवर asked for more. ओलिवर ने कुछ और, थोड़े और के लिए पूछा था। मिस्टर गॉम्स shouted. मिस्टर गॉम्स चिल्लाया। मिस्टर गॉम्स was very angry. मिस्टर गॉम्स क्या हुआ? बहुत ज्यादा नाराज हुआ। No boys had ever asked for more soup in the workhouse. कोई भी लड़का दोबारा सूप के लिए नहीं पूछेगा। यहाँ पर दोबारा कोई भी सूप के लिए नहीं पूछेगा। He took Oliver to a room and shut him in. वह ओलिवर को एक कमरे में लेके गया और उसको वहां पे क्या कर दिया? बंद कर दिया। The next morning, अगली morning, he put up a notice at the gate. उसने गेट पे एक नोटिस रखा, एक मैसेज रखा, एक संदेश रखा। क्या रखा था ये देखो, मिस्टर शोवरबेरी ए कॉफिन मेकर। क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर? मिस्टर शोवरबेरी ए कॉफिन मेकर, एक कॉफी बनाने वाला। रीड द नोटिस, नोटिस पढ़कर ही एग्रीड टू टेक ओलिवर ट्विस्ट। वह ओलिवर ट्विस्ट को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। दस ओलिवर लेफ्ट द वर्कशॉप। इस प्रकार उसने, ओलिवर ने क्या किया? वर्कशॉप को छोड़ दिया। एंड इट वॉज ऑल बिकॉज ही हैड आस्क्ड फॉर मोर सूप। और ये सब उसने, ये सब किसके कारण हुआ था? ये सब उसने और ज्यादा सूप पूछने के कारण हुआ था। Our chapter is complete. बहुत ही अच्छी स्टोरी थी ओलिवर के बारे में। ओलिवर और उसके दोस्त कहाँ जाते हैं? भोजन करने के लिए जाते हैं बाहर, ठीक है। जब वहां जाते हैं तो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं? वो बहुत सारी पर्चियां रखते हैं और उस पर्ची में से नाम जिसका निकलेगा वो ही सूप लाने जाएगा और ज्यादा सूप मांगेगा। तो उसमें किसका नाम निकला था? ओलिवर का नाम निकला था, ठीक है। तो जैसे ही ओलिवर जाता है तो उसको डर लगता है कि कहीं वो हमको कुछ बोल ना दे, ठीक है। तो वो जैसे ही लाने गया और सूप मांगने लगा, तो वहां पे जो मालिक था उसने क्या किया? वो चिल्लाने लगा, किस पे? ओलिवर पे। और वहां के मालिक ने उसको किससे मारी? चम्मच से मारी। जैसे ही उसको मारा, उसको कॉलर से पकड़ लिया, और फिर जो ओलिवर है वो क्या करने लगा? रोने लगा। फिर जो मैनेजर है मिस्टर गॉम्स, वो वहां पे आता है, और मास्टर जो होता है वो उसको क्या करता है? कंप्लेन करता है।
और ये सब किसके कारण हुआ था? ओलिवर के सूप मांगने के कारण हुआ था और उसको रूम में बंद कर दिया था। ठीक है, स्टोरी कंप्लीट। आगे देखो, एक्सरसाइज ए। निकाला, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑन संडे ओलिवर गॉट ए स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड। फर्स्ट पे टिक करो। ऑन संडे ओलिवर गॉट ए स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड। फर्स्ट पे राइट टिक करो। आगे देखो, द मास्टर शोल्ड वन स्मॉल ऑफ सूप टू ईच बॉय। बाउल, थर्ड वाले पे टिक करो, राइट टिक। जो मास्टर था उसने क्या किया था? सूप परोसा था उन लोगों के लिए, तो किस पे हो जाएगा? बाउल पे। किसने परोसा था? बाउल में। राइट आगे देखो, द मास्टर वाज फैट और थिन। फैट एंड क्रूल। मास्टर जो था वो था क्या था? एकदम मोटा और निर्दयी था ना। द मास्टर हिट ओलिवर विद हिज लैडले। चम्मच से मारा था ना, तो फर्स्ट पे राइट टिक करो बेटा। ऑन संडे ओलिवर गॉट ए स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड। ए में फर्स्ट हो जाए। अपने घर पापा द मास्टर शाउट जो वन स्मॉल बाउल। थर्ड वाले पे राइट टिक करो। बी में। यार मेरे साथ तो सेकंड पढ़ वाले पे राइट टिक करो। बाबा बाबा मैं चले अम्मे आगे देखो, राइट ट्रू और फॉल्स। क्या लिखना है? ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। ठीक है, देखो, ओलिवर वाज अनहेल्दी बट ब्यूटीफुल चाइल्ड। नो, फर्स्ट में करो एफ। मैम कॉपी में करना है क्या?
Oliver was an unhealthy and but beautiful child. False. ट्रू फॉल्स करवा रही हूँ बेटा 32 नंबर पेज पे 6 चैप्टर में. मिस्टर गॉम्स वॉज वेरी काइंड. फॉल्स. ही इज वेरी क्रूल. वो बहुत निर्दयी और खड़ूस था ना. ओलिवर आस्क्ड फॉर मोर सूप. ट्रू. क्या हो जाएगा. ट्रू. मैम ये कॉपी में करना है क्या. वो बेटा कॉपी में कुछ भी नहीं करना है, खाली क्वेश्चन आंसर करने और वर्ड मीनिंग करने है. ठीक है आगे देखो. ओलिवर आस्क्ड. वेरी गुड. ओलिवर आस्क्ड फॉर मोर सूप. ओलिवर ने और ज्यादा सूप के लिए पूछा था क्या. निकाल था इसीलिए तो उसको चमचे की पड़ी थी ना. मास्टर ने उसको मारी थी. ओलिवर आस्क्ड फॉर मोर सूप. यस. टी. नेक्स्ट वन. द चिट विद ओलिवर्स नेम वाज पिक्ड. जो चिट थी, जो रसीद थी, पर्ची थी, उसमें किसका नाम आया था. ओलिवर का ही आया था क्या. यस. किसका नाम था. ओलिवर. यस. हाँ. आगे देखो. फिल इन द ब्लैंक्स. क्या है. फिल इन द ब्लैंक्स. लिखा.
यस वेरी गुड. देखो ओलिवर वाज ए पेल एंड थिन चाइल्ड. ओलिवर जो था वो क्या था, एकदम गोरा और पतला लड़का था ना. ऑल द बॉयज सैट इन ए हॉल एट मील टाइम. भोजन के समय सारे बच्चे कहाँ बैठे थे, हॉल में बैठे थे. भोजन के समय सारे बच्चे कहाँ बैठे थे, हॉल में बैठे थे. द मास्टर वॉज सर्विंग. जो मास्टर था वर्क हाउस का, वो क्या सर्व कर रहा था, क्या परोस रहा था. ही वॉज सर्विंग सूप. सबको सूप दे रहा था ना वो. द बॉयज सिग्नल्ड. सिग्नल होता है इशारा करना, इंडिकेट करना, ठीक है, पॉइंट आउट करना, ठीक है, किसी को भी पॉइंट आउट करना हो उसको क्या बोलते हैं, सिग्नल, इशारा करना. ओलिवर टू गेट अप. उनके जो दोस्त थे, जो लड़के थे, उन्होंने क्या किया था, उसकी तरफ इशारा किया था उठने के लिए, ठीक है. मिस्टर गोम्स वाज द मैनेजर ऑफ द वर्क हाउस. जो मिस्टर गोम था वो क्या था, वर्क हाउस का क्या था, मैनेजर था. मैम जरा सी आवाज नहीं आ रही. जरा सी आवाज नहीं आती, मैं तो बहुत जोर से बोलती हूँ. हाँ कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है बेटा. लिखा सभी ने? यस वेरी गुड. चलो आज के लिए इतना ही करवाऊंगी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और ये मैच द सिमिलर मीनिंग वर्ड, ये कल करवाऊंगी, ठीक है ना. ये बताओ कल की एग्जाम कैसे हुई आप लोगों की? अच्छी अच्छी. सबने आंसर शीट करी, डिपॉजिट करवाई, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा? यस मैम. जो यस मैम. वेरी गुड. तो मैं चेक कर दूंगी, जब आप लोग पूरा एग्जाम क्लियर कर लोगे उसके बाद में डिपॉजिट करवा देना, ठीक है ना. और पढ़ाई करते हो ना? चलो टुडेज क्लास इज ओवर. वी विल मीट नेक्स्ट डे. बाय ऑल द स्टूडेंट्स. बाय 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 ऑल ऑफ यू.